हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं फिर एक आपके लिए लाया हूँ बीएफए से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे बीएफए स्टिल लाइफ के बारे में। ज़्यादातर कॉलेजेस जो होते हैं उसके अंदर स्टिल लाइफ होता है, आपको पता होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके अंदर स्टिल लाइफ ही होता है मोस्टली। जो मैंने देखा 90% जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर स्टिल लाइफ का टेस्ट होता है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और जैसे जिस जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जिनको भी ज़रूरत हो बीएफए से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज करने की, तो प्लीज़ इस चैनल को उनको शेयर कर दें। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं आपके लिए क्या लाया हूँ स्टिल लाइफ से रिलेटेड। ओके, हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं दोबारा। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि बीएफए का जो टेस्ट होता है उसके अंदर स्टिल लाइफ ही आता है, जो मोस्टली कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर स्टिल लाइफ का टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है। और ये जो होता है 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, 3 टेस्ट होते हैं इसके अंदर, स्टिल लाइफ और अपना कॉम्पोजिशन और थ्योरी। थ्योरी का मैं लिंक नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर लीजिए और 2-3 बुक्स हैं वो, उसी से प्रिपरेशन आप शुरू करिए। तो आज हम बात करेंगे स्टिल लाइफ के बारे में। तो क्या होगा, जैसे ही स्टिल लाइफ का जो आपका टेस्ट होगा वहाँ पर, आप जैसे ही आपकी एंट्री हो रूम के अंदर, जिसमें भी जिस भी रूम में आपका टेस्ट हो वहाँ आपकी एंट्री हो, जाते ही सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ फोकस रखना है अपना स्टिल लाइफ पर, क्योंकि वो जो स्टिल लाइफ होगी वो पहली ऑलरेडी वहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि कॉलेज के थ्रू वो पहले सेट करके रखते हैं। और कम से कम उसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे आपके 3 एटलीस्ट 4-5 ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर, कुछ लार्ज ऑब्जेक्ट्स होंगे कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट होंगे। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, इधर उधर ना टाइम वेस्ट करके कि आप किसी के बातों में लग जाए ये लग जाए, उधर टाइम ना वेस्ट करें, सारा फोकस जो है आपका स्टिल लाइफ के ऊपर ही होना चाहिए। जो वहाँ रखा हो वहाँ ध्यान से देखें उसको कि उस पर शेड किधर से बने, लाइटिंग किधर से। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपको मटीरियल क्या यूज़ करा है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस किस मटीरियल के वहाँ पर उन लोगों ने रखे हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे वुड का है मटीरियल तो वुड वाला टेक्सचर आना चाहिए उसके अंदर, और ग्लास का है तो ग्लास वाला टेक्सचर आना चाहिए उसके अंदर, और कोई स्टील की चीज़ है तो कैसे शाइन कर रही है वो वाला टेक्सचर आना चाहिए उसके अंदर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी शीट और अपनी शीट को अच्छे से प्रिपेयर करें। शीट एक्चुअली वो वही लोग देते हैं, तो शीट होगी ना वो एंट्रेंस की, वो हाफ साइज़ की शीट होगी, हाफ इंटीरियर, वो वहीं से प्रोवाइड होगी। और आपको मटीरियल वाली मैंने इससे पहले आपको दी थी, वो सब मटीरियल खरीद लीजिएगा, वो बेसिकली वही मटीरियल लीजिए, सारी पेंसिल्स होंगी। और आप क्या ध्यान करेंगे उसके अंदर, जैसे ही आपका स्टार्ट होगा स्टिल लाइफ, तो आप सबसे पहले उसमें प्लस का निशान लगा लेंगे बीच में, जिससे कि 20 सेंटर में आना चाहिए आपका जो स्टिल लाइफ होगा, 20 सेंटर के अंदर होना चाहिए, ना कि बड़ा हो ना ही छोटा हो। और सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे कवर होने चाहिए उस पेपर पर, ये नहीं कि कुछ कट गया, जैसे कोई लंबी चीज़ उन्होंने रख रखी है वो कट गई या बाहर निकल है, तो ये सब नहीं होने चाहिए। शेड का प्लीज़ ध्यान रखिए उसके अंदर, और जितने भी एक्चुअली क्या होता है ना उसमें, जो ब्लैक एंड वाइट आपका वो होगा जो पेंसिल शेडिंग में, पर उसके अंदर भी आपको एक कलर टोन होगी, ये नहीं कि जैसे कोई चीज़ रेड है और कोई चीज़ वाइट है, तो अगर हम उसका ब्लैक एंड वाइट अगर हम उसका फोटो क्लिक करेंगे तो उसकी शेड्स में भी फ़र्क आएगा। ये नहीं हो कि सिंपलर शेड आपने कर दी, और एक कोशिश और करें कि 45 डिग्री एंगल्स में आप स्ट्रोक्स लगा लगा के उस पर शेडिंग करें, ना कि एकदम मर्जिंग वाली शेडिंग करें, क्योंकि स्ट्रोक्स लगाने से थोड़ा सा अच्छा भी उसमें लगेगा स्टिल लाइफ, और थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के, वहाँ पर एंट्रेंस को आपको क्रैक करने के चांसेस वहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे। और बस यही सब होता है थोड़ा बहुत, और बाकी मैं कोई डेमो भी आपको दूंगा, अभी आने वाली मेरी कुछ वीडियोज हैं उसके अंदर मैं डेमो भी दूंगा, और इसी के बाद में कुछ मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कॉम्पोजिशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो या किसी भी तरह की मुझसे कुछ बात पूछनी हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, बट लेकिन अच्छे से आप मेहनत करिए, मेरी आपके आपकी बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके लिए, और अच्छे से आप मेहनत करिए। और मेरी कुछ स्टिल लाइफ की कुछ वीडियो हैं उसको देख के आप, अभी तो फिलहाल आप उनकी कॉपी कर लीजिए चाहे देख के, बिकॉज़ अभी मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं डेमो भी दूंगा अपने स्टिल लाइफ की वीडियो के बारे में। तो अभी तो फिलहाल आप इसे, क्यों, बिकॉज अभी उसका टेस्ट होने वाला है 30 जून को है शायद, 30 जून 2018 में उसका टेस्ट है अभी तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और आपने मेरे को इतना प्यार दिया, मैं इसके लिए भी आपको दोबारा अगेन एंड अगेन थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड लाइक माई वीडियोज़, और माई बेस्ट विशेज़। ओके, बाय।